Hi friends, आज हमें CNF उपरे आलोचना करेगा। CNF तार फुल फॉर्म कौन है? कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। एक कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म को जानने को मिले, हमें प्रथमे रेफरेंस फॉर्मूला को जानने को पड़ेगा। तबे रेफरेंस फॉर्मूला इसी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है जी, कुड़िया दिया सी, ताको हमें आगे लक्ष्य दबा। इसी मध्यलु जेमुड़ी का ठीक मरा है इसी जो फॉर्मूला परे ठीक मरा है इसी सही गुड़ी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सही गुड़ी का सीएनएफ परे लागे अधिक समय सही गुड़ी का लागे क्योंकि हमें आगे ताहरी ऊपरे आलोचना करेगा ताले से ताहरी ऊपरे आलोचना करें भले हमें सही गुड़ी को एकाकी करी दे गुटी गुटी हमें आलोचना करेगा तबे एक पुट अच्छे दुई नंबर आउ सात नंबर तनु इसी दे दी जाए दुई नंबर पे होची पी डिस्टेंशन नेगेशन पी डिस्टेंशन नेगेशन पी सात नंबर पे होची नेगेशन नेगेशन पी इक्विवेलेंस पी अच्छा ताले ए पोटरू जेम ड्यूटी मोस्ट इम्पोर्टेंट तक सपोर्ट करने वाली वर्तमान यही ऊपर हमें आलोचना करेगा पी डिस्टेंशन नेगेशन पी यह अर्थ है जिते बड़े गोटे भारियेबल डिस्टेंशन द्वारा आउ तार नेगेशन सहित होगुड़ सब टोटल अर्थात एथे जो कोड़े टी फर्मूला अच्छी दि जाइला से गुड़ाक सब हूँ टोटोलोजी टोटोलोजी अर्थ होगा से मैंने सब ट्रु से माने फॉल्स ही करिवे नहीं तेणु फॉर्मूला दे जाइछि दे ऑल आर ट्रू ताले गोटिए अफर्मेटिव भाबे वेरिएबल पी कि नै तार डिस्टेंशन जदि तार नेगेशन रे करा जाए नेगेशन पी करा जाए तबे सेटा हबो टोटल एथिरे मध्य आमे आउ गोटे प्रकार करि परबा की डिस्टेंस क्यू डिस्टेंशन नेगेशन क्यू ये मध्यम टोटल होती आर डिस्टेंशन नेगेशन आर ये मध्यम टोटल होती तेणु जिते बड़े टोटोलोजी ए फॉर्म रे पड़िबो तेते बड़े ताहा टोटोलोजी हबो तापर सात नंबर कौन कहू ना नेगेशन नेगेशन पी इक्विवेलेंस पी जदि कौनसी वेरिएबल रे डबल नेगेशन थाए सेटा डबल नेगेशन कटि जाय सेटा अफर्मेशन से वेरिएबलटा अफर्म हो जिवो अर्थात खाली पी है जो नेगेशन नेगेशन पी इक्विवेलेंस पी नेक्स्ट तेरह नंबर कहूँगी पी डिस्टेंशन ब्रैकेट रे क्यू कंजक्शन आर रहिची एटा को जदि आमे समान करिबा जदि देखिबा केमिति ट्रू हबो ना पी डिस्टेंशन क्यू ताकु गोटे ब्राकेट करी कंजक्शन टाकु नेजवा मझे की पुनी आ गोटे ब्राकेट रे सी पी डिस्टेंशन आर अर्थात जते बेले देखिले क्यू कंजक्शन आर अछि ब्राकेट भितरे एवं बाहरे अछि पी डिस्टेंशन तेबे एटाकु आमे नॉर्मल फॉर्म केमिति करू जे ना ए जोटा रहिला पी डिस्टेंशन टाकु या सामकु नबा एटा गोटे ब्राकेट कर देबा एवं कंजक्शन टाकु मझी की आनी भरी पी डिस्टेंशन क्यू को पुनी आर पक नै जिबा अर्थात पी डिस्टेंशन क्यू हे गला कंजक्शन टाकु मझी की आनले भरी आकु गोटे ब्रैकेट रखले तापरे पी
disjunction R गोटे bracket रखले ये जो form टा हला एटा कहंती CNF conjunctive normal form ता अर्थ दुईटी bracket रे आमर disjunction रही जदि मझी रे conjunction टा रही जाए ताकु कहंती CNF conjunctive normal form सेतिकि बडे हबो ताले एटा को आमे निहाती मन रखिबा दरकार कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म केते बळे आसीबो आमे ताकु एई फॉर्म को आनिबा नेक्स्ट 14 नंबर 14 नंबर कहूची पी कंजक्शन क्यू एटा जहा अछि ताकु मध्ये जदी आमे कंजक्शन टाकु उठै दबा ताकु ट्रांसफॉर्म कर दबा ताकु मध्ये डिसजंक्शन को आमे आनि पारिबा अर्थात नेगेशन ब्रैकेट आरंभ नेगेशन पी disjunction negation q गुटिए कांस्टेंट को आमे आउ गुटिए कांस्टेंट को नबा पई एई गुडी को हमर फार्मूला रा आवश्यकता अछि ता परे 15 नंबर p disjunction q एटा को जदि आमे कंजक्शन को नबा किमि नबा ना नेगेशन ब्रैकेट आरंभ नेगेशन p कंजक्शन नेगेशन q एई जोड़ी का 14 15 को डी मर्कान रूल कहा जाए 14 15 को हमें डी मर्कान रूल बोली कहा जाए ता परे हमर 16 नंबर का आवश्यकता नहीं 17 नंबर 17 नंबर कहूची पी इंप्लिकेशन क्यू आकु मध्य हमें ट्रांसफॉर्म कर परिबा डिसजंक्शन को केमिति ना नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू ताले सीएनएफ कला बेले हमर मुख्य कारण होची आमे देखिबा सेतिर कोण अछि जदि इम्प्लिकेशन चिन्ह किंबा कंजक्शन चिन्ह थाए ताकु आमे तुरंत ट्रांसफॉर्म कर दबा डिसजंक्शन चिन्ह को नेगेशन विथ डिसजंक्शन तेबे जाय आमे सीएनएफ करि परिबा कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म को आनि परिबा तेल प्रथमे आमे चेंज करिबा कोण ना जदि इम्प्लिकेशन चिन्हटा अछि ताकु आमे 17 नंबर रूल पकेगिरी 17 नंबर रूल बी इम्प्लिकेशन क्यू अछि एपरि हेले नॉर्मल फॉर्म का आमे आनि परिबा नाही तेनु ताकु आमे 17 नंबर रूल रे कोन होत ना इक्विवेलेंस नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू अर्थात एक इम्प्लिकेशन टाकु आमे उठे दबा अर्थ तब ट्रांसफॉर्म कर दबा कोठी की ना डिसजंक्शन को जदि डिसजंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देले ताले हमर सीएनएफ करिया पे सुविधा हो आमे जो रेफरेंस फॉर्मूला गुडा को करि जे सेगुडा को आमे वर्तमान एग्जांपल रे लगेइबा गोटे एग्जांपल आमे दबा पी इम्प्लिकेशन क्यू कंजक्शन पी इम्प्लिकेशन क्यू ए जो एग्जांपल टा को आमे सॉल्व करिबा केमिति आमे ताकु सीएनएफ करिबा कहिले आमे प्रथमे इम्प्लिकेशन चिन्हटा को उठे दे ट्रांसफॉर्म कर देबा डिसजंक्शन रे तेनु इम्प्लिकेशन चिन्हटा गुतले डिसजंक्शन रे परिणत कर देबा एमिति करिबा ना एथे 17 नंबर रूलटा पडिबो 17 नंबर रूल कहिजि कोन बी इम्प्लिकेशन क्यू इक्विवेलेंस नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू ता माने एटा उठि जाई एई डिसजंक्शन हे गला एई रूलटा हमरा एथि पकेबा एथि पी इम्प्लिकेशन क्यू ता परिवर्तन हम लिखि देबा नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू इम्प्लिकेशन उठि गला परे तापर देखबा अछि कंजक्शन पी तापर देखबा पुनो रे इम्प्लिकेशन अछि ए इम्प्लिकेशन टा उठेबा पड़िबो इम्प्लिकेशन टा उठेबा कहिले आमे एटा को पूरा पूरी एई जोड़े ब्रैकेट अछि ये गोटे ब्रैकेट एटा गोटे ब्रैकेट तेनु एई गोटा मिति टा को आमे धरिले पी एटा को जदि पी धरिले तबे इम्प्लिकेशन टा हम उठेबा उठेबा कहले एठी नेगेशन दे दबो पड़िबो नेगेशन दे एठी डिसजंक्शन ये हे जइबो एटा हे गला क्यू वर्तमान एटा को आनले एटा को नियम रे पड़िला ना आरएफ 17 आरएफ 17 या अर्थ ए 17 रे रेफरेंस फार्मूला को हमें आधार करी एही प्रकार परिवर्तन कर देला तापरे नेगेशन टा बाहर रही गला जदि बाहर रही छि ताको हमें ब्रैकेट भीतर को प्रवेश करैबा तबे नेगेशन टा
এই প্রথম ব্র্যাকেটে আর দ্বিতীয় ব্র্যাকেটে সহিত এটা জড়িত এই ডিসজাংশন কিউ সহিত তার কিছু লিঙ্ক নাহি তেমন বর্তমান এটা প্রবেশ করিবার অর্থ নেগেশন নেগেশন পি হেগলা তারপরে যেতবেলে ডিসজাংশন পূর্বরু ব্র্যাকেটে পূর্বরু যদি নেগেশন থাকে এটা কনজাংশন হয়ে যায় এবং যদি কনজাংশন পূর্বরু আমার নেগেশন থাকে সেটা ডিসজাংশন হয়ে যায় তাহলে এটা ডিসজাংশন আছে এটা হয়ে যাব কনজাংশন কনজাংশন পুনি এটা কিউ পাকু যাব নেগেশন কিউ ये वाला ब्रैकेट पूनी ए नेगेशन टा एटी भी जीवो अच्छी आमर कंजक्शन पकेरे तेरे कंजक्शन टा है जीवो डिसजंक्शन पूनी मध्य पी पक भी जीवो पी पक रही वाला नेगेशन पी एटी डबल ब्रैकेट सॉरी वाला तेरे नेगेशन टा पूरा पूरी दुई टी ब्रैकेट के मध्य रे सबु जंक चेंज करे देला तार परे रही थी कौन डिसजंक्शन क्यू এটা যেতবেলে আমি দেখিবা ডবল নেগেশন হয়ে যাইছি ডবল নেগেশন হেলে আমি জানিছে যে এটা সাত নম্বর রুল কু আসিগল তেণু ডবল নেগেশন এর কোন না নেগেশন নেগেশন পি ইকুইভ্যালেন্স পি তেণু দুইটি যাক নেগেশন কটি যাই পি হয়ে যাব অর্থাৎ এটা হলো পি কনজাংশন নেগেশন কিউ তারপরে আমার রহিছে disjunction negation p disjunction negation p এতে ব্র্যাকেট মধ্য সরি গেল এরর ফার্স্ট ব্র্যাকেট এটা হলো সেকেন্ড ব্র্যাকেট তারপরে disjunction q তবে এইটা যদি আমার আসিলা এঠে আমার 13 নম্বর রুল কো পড়ি যাব কাহি কি না 13 নম্বর রুল কোন কইছি p disjunction q conjunction r সামনে কনজাংশনটা আমার রহিছে মঝিরে ব্র্যাকেট ভিতরে এবং ব্র্যাকেট বাহার কো আসি যাইছে disjunction তবে আকু কোন করাইছে ফর্মুলা রে এই disjunctionটা কো কনজাংশন ভিতর গুটি আনিমা পুনি কনজাংশনটা কো ব্র্যাকেট মঝিরে রাখি দেই এটা কো মধ্য r টা কো পুনি p disjunction r কর দবা অর্থাৎ p disjunction q গোটে ব্র্যাকেট রহিলা এথিরু গোটি আনলে ভারি পুনি কনজাংশন টা মধ্যে কি নেগ্রি পি ডিসজাংশন আর করে দেবে সেই পরি ভাবে আকু কি আছে আমি সেমতি করি পারিবা এইটা আছে ব্র্যাকেট বাহারে তোমাটা হবো কোন পি টা বানিমা পি টা বানি ডিসজাংশন যোটা আছে নেগেশন পি পি ডিসজাংশন নেগেশন পি ये रहला गुटी ब्रैकेट रे तापरे कंजक्शन टा मझिरे रखिबा मझिरे रखि किरे एटा को पुनी या सहित करिबा अर्थात नेगेशन पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यू एति कर सला पोरे पुनी तापरे आहुरी को जाव छि उठे डिसजंक्शन डिसजंक्शन क्यू अछि এটা কো রুল অনুসারে হলা না 13 নম্বর রুল অনুসারে এনু আরএফ আরএফ 13 আচ্ছা এই আরএফ 13 সরলা পরে পুনি মধ্য এই তক গুটে কনজাংশন রহিছি ব্র্যাকেট ভিতরে এটা বা ব্র্যাকেট বাহিরে কিউ রহিছি তেন ওটা মধ্য সেই 13 ফর্মুলা রে পড়িব অর্থাৎ এইটা ইয়া সহিত মিশি যাব পুনি কনজাংশন মধ্যে আসিব হারি p disjunction negation p disjunction q ये गुटी है गला conjunction टा कुन मधिक आसीबो एटा ला negation p disjunction एटा आउ गुटे ब्रैकेट रहइबो negation p disjunction negation q disjunction q এটা মধ্য সেই 13 ফর্মুলা যকু এই প্রকার চেঞ্জ হই গলা বর্তমান আমি এইটাকু লক্ষ্য করিবা এইটাকু লক্ষ্য করিবা আমার 2 নম্বর ফর্মুলা রে পড়ি গলা অর্থাৎ 2 নম্বর ফর্মুলা রে কোন পড়লা না 2 নম্বর ফর্মুলা কহুচি পি ডিসজাংশন নেগেশন পি রহলে এটা টোটালি যাই যিবো
तेणु बर्तमान ये देखिले पी डिस्टेंशन नेगेशन पी ए ब्रैकेट टारे जेहेतु पी डिस्टेंशन नेगेशन पी रहिछि ए एंटायर ब्रैकेट को सी टोटोलॉजी कर देला। तापर सेकंड ब्रैकेट को जीबा इथिर देखिबा क्यू डिस्टेंशन नेगेशन क्यू रहिछि तेणु ए ब्रैकेट टा मध्य टोटोलॉजी हे गला। टोटोलॉजी कहिले आमे ट्रू ट्रू को आमे साधारणत सिंबोलिकल नउचे मैथमेटिकली ताकु नउचे एक तेणु ट्रू टा एक फॉल्स टा जीरो दउथिले। तेणु वर्तमान देखिबा एटा जेतले ट्रू हे गला पी डिस्टेंशन नेगेशन पी ताकु ट्रू धरिले तेणु एटा को जदि आमे एक बोली धरिबा एपटे मध्य देखिबा क्यू डिस्टेंशन नेगेशन क्यू ये मध्य हला टोटोलॉजी तेणु ये मध्य एक किंतु अन्यान जो गुडा कथा संगे थिबो से गुडा को आउ काउंट को निया जीवो नाही। जदि जे कोनसी ब्रैकेट भितरे गुटीए टोटोलॉजी बाहरी पडला तेबे सेई ब्रैकेट का एंटायर ता हे जो टोटोलॉजी एवं एथिरे देखिले ये टोटोलॉजी हला तापर कंजक्शन ये भी टोटोलॉजी हला। अर्थात ए कंजक्शन को आमे फार्मूला अनुसार जानथिले ए के बोली कंजक्शन टा गुणी दोथिले एक गुणन एक समान एक तेणु यार रिजल्ट हला एक अर्थ टोटोलॉजी। तेणु इथु आमे जानिले ए एंटायर सीएनएफ टा हला टोटोलॉजी। अर्थात इथि जिमिति 13 नंबर रे आमे कहथिले डिसजंक्शन गुटी ब्रैकेट रे रहतिबो आरथिर मध्ये डिसजंक्शन रहतिबो मझिरे रहतिबो कंजक्शन सेटा हबो सीएनएफ। तेणु बर्तमान से फर्मुला रे आम देखिबा एटा मध्ये हे गला सीएनएफ पी डिस्टेंशन नेगेशन पी डिस्टेंशन क्यू एटा गोटे ब्रैकेट रे गला कंजक्शन टा मझिरे अछि दुईटी ब्रैकेट मझिरे जदि कंजक्शन रहिला जदि बा तीनटा ब्रैकेट हबो आ गोटे कंजक्शन रहिबो से गोटे ब्रैकेट रहिबो तेणु एही परि भाव रे जदि आम देखिबा सेटा हे जीवो सीएनएफ। तेणु एही सीएनएफ रे रिजल्ट हला इट इज टोटोलॉजी। थैंक यू आज भाई इतनी।